राजधानी में पकड़ा गया नशे का सौदागर। 4,29,000 नगद जब्त, लूट के 10 मोबाइल भी बरामद। राजधानी में काफी समय से नशीले इंजेक्शन का कारोबार चल रहा था। शिकायतों को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए नशे के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन, नशे की दवाएं, प्रतिबंधित कफ सिरप के अलावा 4,29,000 रुपए, अवैध हथियार, गोलियां, लूटे हुए दर्जनों मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। अवैध नशे के कारोबार में लिप्त आरोपी के पास से 33 लूटे गए मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। आरोपी की गिरफ्तारी पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने की है। इतना ही नहीं, आरोपी के पास से अवैध हथियार और चूड़ी की ज्वेलरी सहित कई सामान भी मिले हैं, जिसे वो गिरवी रखकर नशीली दवाओं का कारोबार करता था। आरोपी को पुलिस ने 90 फीट इलाके से गिरफ्तार किया है। ये एक अपने आप में इंटरेस्टिंग केस है, बिकॉज ये यहाँ एक बहुत बड़े पैमाने पे एक व्यक्ति को थानाध्यक्ष पत्रकार नगर और उनकी टीम के द्वारा जो है चेकिंग के दौरान चिन्हित किया गया, उसको संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। और जब इस पूरे पूछताछ के क्रम में पूरा प्रकरण खुला है, उसमें एक बिल्कुल वन ऑफ इट्स काइंड इंसिडेंट आया है कि ये पकड़ाया हुआ व्यक्ति जो है, जिसका नाम अमरजीत है, बेसिकली ये नालंदा का रहने वाला है और यहाँ ये पटना में जो है पिछले कई सालों से रह रहा था और आलमगंज में ये अपना एक डेरा रखा हुआ था। इसने एक प्रकरण स्टार्ट किया था कि ये दवाइयों की अच्छी जानकारी रखता था। पहले ये हॉस्पिटल से जो नीडी पेशेंट होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, उनको होलसेल पे कुछ दवा प्रोवाइड करवाया करता था। होलसेलर्स को भी से भी कमीशन जो है इसको मिल जाता था। उसके बाद ये जो है इसको, क्योंकि इसका लिंक जो है होलसेलर से अच्छा खासा था, तो इसने अपने जो इसका नेटवर्क था उसका यूज़ किया। जो कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको हम रिस्ट्रिक्टेड ड्रग्स कहते हैं, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं, और कुछ ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो केवल हाई एंड ट्रीटमेंट जहाँ होती है वहाँ पे यूज़ की जाती है। तो ये सारी इनके लिए एक शेड्यूल अलग से बनाया जाता है और ये बिना प्रिस्क्रिप्शन, जैसा मैंने कहा, उसके नहीं मिलती हैं। तो ये समहाउ इसके पास एक्सेस थी ऐसी दवाइयों की, और ये क्या करता था कि उनको होल सेलर से लेके और बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये पेशेंट्स को नहीं, बल्कि एक जो नशेड़ी होते हैं उनको ये बेच रहा था। अब स्टार्ट इसने जब किया था तो छोटे पैमाने पे किया था। धीरे धीरे ये सिर्फ कफ की दवा ही नहीं, जिसको हम कफ सिरप कहते हैं वो ही नहीं, बल्कि जो है बड़ी दवाइयाँ जैसे कि बुप्रीनॉर्फिन है या एंटेनोसिन है, इस टाइप की दवाइयाँ भी जो है ये इनसे पे डील करने लग गया। इसका जो है नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका था कि अब ये जो है पटना के नहीं, बल्कि पटना के बाहर ड्रग्स का ये जो दवाइयां हैं इनका सप्लाई कर रहा था।